ना अंडा मसाला ये स्टार होटल स्टेट पे बोल रहा हूँ, आप कैसा देखे बोल रहा हूँ। ये अंडा को बॉयल में चढ़ा रहा हूँ, वॉश करके इसमें बॉयल में चढ़ाना पड़ेगा। इसका अच्छे से देना, पानी में धो देना, तीन बार धो देना इसको। तीन बोल तो बहुत गंदा रहता है, अच्छे से धो देना। नीम उधर रखना, नीम डाल तो अंडा छीनने के लिए अच्छा होता है। नमक थोड़ा ज्यादा रख देना। अंडा मसाला की ये चाहिए, गरम मसाला चाहिए, बिरयानी पत्ता, काला इलायची, छोटा इलायची, लवंग, दालचीनी, अन्ना सिप्पू, छोटा कट किया लहसुन, धनिया पत्ता, नमक, तेल, अदरक, चिल्ली पाउडर, हरा मिर्ची, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, सूखा कस्तूरी मेथी, गरम मसाला, शिमला मिर्ची। शिमला मिर्ची को ऐसा कट कर लो। टमाटर, टमाटर थोड़ा ऐसा छोटा एकदम कट करना, इसको ऐसा कट करके इसको पेस्ट करना पड़ेगा मिक्सी में, अच्छा अच्छा पेस्ट करना पड़ा। छोटा वाला प्याज, छोटा एकदम छोटा प्याज कट करना पड़ेगा, काश्मीरी चिली, इसको पानी में भिगा के बॉयल करके इसको पेस्ट कर पीसना पड़ेगा। काश्मीरी चिली को डाल के अच्छा से धोना पड़ेगा। इसको अच्छा से बॉइल करना, उसके बाद एकदम मिक्सी में पेस्ट करना पड़ेगा। इसको मिक्स में ऐसे डालना, डाल के एकदम अच्छा से पेस्ट करना है इसको। ऐसा पेस्ट करना है, एकदम फाइन पेस्ट करते हैं इसको। काश्मीरी चिली मिक्स में डाल के पेस्ट करना पड़ेगा टमाटर को। एकदम अच्छा अच्छा पेस्ट करके ऐसा डाल देना इसको। तेल डालना, ऑल गरम मसाला डालना, उसके बाद लहसुन डालना, अदरक डालना, उसके बाद कट किया छोटा प्याज डालना पड़ेगा। हरा मिर्ची डालना, इसमें आधा शिमला मिर्ची डालना, पहले आधा शिमला मिर्च डाला तो उसको अच्छा रहेगा, टेस्ट भी अच्छा रहेगा। थोड़ा नमक लगा देना, नमक लगाया तो जल्दी होएगा प्याज, जल्दी भून सकता, नहीं तो लेट होएगा। इसमें सूखा कसूरी मेथी डालना पड़ेगा, थोड़ा टेस्ट अच्छा होता, गुस्स भी अच्छा होता। हल्दी डालना तरह से, काश्मीरी चिल्ली पाउडर तरह से डालना,
धनिया पाउडर, जीरा पाउडर डाल के अच्छे से भून लो इसको। ये कच्चा मसाला को अच्छे से भूनना पड़ेगा, ये तेल में पकाना मसाला को। उसके बाद कश्मीरी चिली पेस्ट को डालना पड़ेगा इसको। ये टेस्ट कड़ा भी होता है, ये टेस्ट भी जबरदस्ती होता है, खाने में मजा आता है। चिली पेस्ट उसके बाद छोटा कट किया ना, और टमाटर इसमें मिला देना। अच्छा से भूनना इसको, कम से कम 10-15 मिनट इसको भूनना पड़ेगा। कितना अच्छा से भूनेगा उतना टेस्ट आएगा। तो कलर ऐसा होना पड़ेगा, कलर 10 मिनट के बाद थोड़ा टमाटो पेस्ट ये पीस के रखा ना, आधा टमाटो वो डाल देना इसको। टमाटो थोड़ा अच्छा ग्रेवी होता, टेस्ट भी अच्छा होता। आधा से कट्टर के डालना, आधा प्यूर करके डालना टमाटो को। तो ऐसे अच्छा से भूनना पड़ेगा, 15-30 मिनट भूनना पड़ेगा। कितना अच्छा से भूनेगा उतना टेस्ट आएगा। देखो कैसे भून रहा, देखो ऐसे भूनना पड़ेगा अच्छा से भून के। उसके बाद थोड़ा पानी मिलाना पड़ेगा, पानी डाल के इसको पकाना। अंडा को ऐसा लेके ऐसा थोड़ा कट करना पड़ेगा। क्यों ऐसा कट करना बोला तो इसका मसाला अंदर घुसेगा, नहीं कट किया तो एकदम मसाला नहीं घुसेगा अंदर, एकदम अलग से कट करना। इसमें थोड़ा तेल डाल देना, तेल डाल के ये अंडा का डाल देना। थोड़ा से हल्दी, थोड़ा से काश्मीरी चिली पाउडर इसको भून। इसमें आधा डाला वो पहले इसमें ग्रेवी डाल दिया, आधा शिमला मिर्च इसमें डालना, डाल के थोड़ा सा भून देना, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देना। इसको मिला देना, गरम मसाला डालना, नमक डाल देना, धनिया पत्ता डाल देना। इसको 2 मिनट नहीं तो 5 मिनट इसको पकाना पड़ा, एकदम मस्त टेस्ट रहेगा। पुलाव के साथ रोटी नान के साथ खाते खाए तो एकदम मजा आएगा।